हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप में से बहुत लोगों ने इस पौधे के पत्तों को अपने किताबों में, कॉपियों में रखा होगा। मैंने तो बचपन में रखा है, और इसे बचपन में हम लोग विद्या का पौधा कहते थे। वैसे ये ओरिएंटल थूजा है, और इसे मोर पंखी भी कहते हैं। इस छोटे क्यूट से पौधे को इसके ओरिजिनल लोकेशन पर रख देते, अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने इसे खूब घुमाया था। इसे मैंने बीज से लगाया था, और बीजों को मैंने अपने इस बड़े थूजा के पौधे से कलेक्ट किया था। अभी जनवरी का महीना है, और इस वक्त ओरिएंटल थूजा में सीड पॉड बनने लगते हैं। आप ये छोटे छोटे दाने देख रहे होंगे, और यही जुलाई में जाकर के मैच्योर हो जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर के महीने में आप बीजों को निकाल सकते और उन्हें लगा सकते। अब हम लोग करेंगे टाइम ट्रैवल और चलेंगे सीधे जुलाई 2020। सीड पॉड मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अभी फटे नहीं हैं। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2020, आप देख पा रहे होंगे सीड पॉड अब बर्स्ट हो चुके हैं, और इसके अंदर ना बीज आराम से दिख जाते हैं। अब थोड़ा सा फ्लैप्स को ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आराम से बीज निकल जाएंगे। मैं आपको कुछ निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सीड पॉड से कम 5 से 6 बीज तो ज़रूर निकल जाते हैं। मैं कुछ और सीड्स निकाल लेती हूँ, और फिर वर्किंग टेबल पे चलते हैं। ये रहे कुछ कलेक्ट करे हुए बीज। अगर आप बीज कहीं से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस मिट्टी के गमले में मैं इन बीजों को लगाऊंगी, और मीडिया के तौर पर मैं कोकोपीट यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो थूजा के बीज मिट्टी में भी उगाते हैं, लेकिन अगर आपको अपना सक्सेस रेट 80% से ऊपर करना है, तो आपको कोकोपीट यूज़ करना चाहिए। कोकोपीट का यूज थूजा के केस में एक और जगह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको आगे पता चलेगा। और थोड़ा सा कोकोपीट तो आप मेरे वीडियो की मदद से आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैंने कोकोपीट पे डिटेल वीडियो किया है, उसे आप ज़रूर चेक करिएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीजों को लगभग 0.5 से 1 सेंटीमीटर कोकोपीट में या मिट्टी में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें दबा दीजिए। बीजों को लगाने के बाद बड़े आराम से पानी डालिए। स्प्रेयर से पानी डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आप गमले को सीधे पानी वाले ट्रे में रख दीजिए। ड्रेनेज होल से पानी सोख कर पूरी ही मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट हो जाती है। चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आगे के अपडेट के साथ। ये रहा बीजों को लगाने के 35 दिन बाद का अपडेट। इस स्टेज में हम पौधों को अलग कर लेंगे। आप थोड़ा रुक भी सकते, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। इन छोटे पौधों को अलग करते वक्त आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा कि इनके जड़ टूट ना जाएं। थूजा के जड़ काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और इसलिए आप ऊपर से इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। गमले से कोकोपीट को निकाल लेने के बाद मैं सारे पौधों को अलग कर ले रही। आप देख रहे हैं ना, जड़ कितना लंबा है, जबकि पौधा इतना छोटा सा है। और अच्छे से जड़ निकल पाना बस संभव हुआ कोकोपीट की वजह से। और इसलिए मैंने कहा था कि ट्रांसप्लांटिंग के समय कोकोपीट का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाता है थूजा के केस में। अब इन छोटे छोटे पौधों को आप मिट्टी, कोकोपीट जिसमें चाहें लगा लीजिए, पौधे आपके अच्छे से ही ग्रो होंगे। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रांसप्लांटिंग का एक दूसरा एग्जाम्पल, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये तीनों भी सीड से ही ग्रो करे हुए पौधे हैं, और इन्हें मैं अभी अलग करूँगी। छोटे से गमले में हैं ये, इसमें मैंने बॉन्साई मिक्स डाला था। बॉन्साई मिक्स में थोड़े ज़्यादा ईंट के टुकड़े होते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है इन तीनों को भी अलग करना काफ़ी आसान रहेगा। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे ओरिएंटल थूजा के साथ यहाँ पे कुछ और भी बल्ब वाले पौधे हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा कौन सा पौधा है। सही जवाब देने वालों में से 2 लोगों को मैं ओरिएंटल थूजा के 5-5 सीड्स भेजूंगी अपने प्रकृतिस गार्डन स्टोर की तरफ से। इन 3 पौधों को मैंने अभी अलग करे हैं, और इनमें से 2 को मैं एक साथ लगाऊंगी। और मैंने लगाने के लिए मिट्टी का गमला लिया है, जो मेरा फेवरेट है, और साथ ही नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है।
थूजा काफ़ी आसानी से नॉर्मल गार्डन सॉइल में ग्रो हो जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके तरफ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है, बहुत ज़्यादा पानी फंसता है, तो मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट या फिर कंपोस्ट ज़रूर मिला लीजिए। और थूजा को कभी भी गर्मियों में तेज़ धूप में मत रखिएगा। गर्मियों में जहाँ पे सुबह में और शाम में रोशनी मिल जाए वो लोकेशन बेहतर रहता है। और साथ ही महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो ज़रूर डाल दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति गार्डन साइनिंग ऑफ।